तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो के अंदर ना आप लोगों को कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। इस तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप की फेस स्मूथ एंड फेस को गोरा और आप लोग पूरा फुल एचडी में कैसे कर सकते हैं और हेयर में ऑयल पेंट भी कैसे दे सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताया गाइस और फेस स्मूथ करने का न्यू ट्रिक बताया गाइस। बहुत सारे मतलब ब्रश को यूज करके आप लोग थक चुके होंगे, तो इस बार इस वाले ब्रश को यूज कीजिए और जो भी आप लोगों को मतलब फेस पे ब्लैक होता है वो ब्लैक नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चलता ना है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को अपने फोटो को ओपन करना है लाइट रूम के अंदर। तो यहाँ पे देखिए गाइस, लाने के बाद से आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो लाइट पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए जो आप लोग को एक एक स्टेप बता रहा हूँ आप लोग को वही फॉलो करना है गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सपोजर को हल्का से इंक्रीज करना है और यहाँ पे कंटेस्ट को हल्का से माइनस में रखना है फ्रेंड्स, और हाईलाइट को भी, और शेडो को हल्का से इंक्रीज कर लेना है फ्रेंड्स, और वाइट को भी हल्का से इंक्रीज और ब्लैक को माइनस में। तो देखिए फ्रेंड्स, हल्का से और हाईलाइट को माइनस में रखेंगे जो है यहाँ पे फेस पे, देखिए हाईलाइट हल्का से लाइट आ चुकी है, तो इसको और हल्का से माइनस में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे कलर पे और मिक्स पे जाएंगे, सबसे पहले सेकेंड कलर पे आएंगे, अपने फेस को हल्का से गोरा करेंगे, तो इसका सैचुरेशन माइनस में रखेंगे गाइस और लुमिनस को इंक्रीज करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सबका यहाँ पे सिचुएशन माइनस में रखना है क्योंकि इसमें दूसरा टोन देना है अपने बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे सबका सबसे पहले सिचुएशन माइनस में रख लेंगे और यहाँ पे इस वाले सिचुएशन को हल्का से इंक्रीज कर लेना है और इसका भी। अब यहाँ पे हल्का से आना है फर्स्ट वाले कलर पे और इसका सिचुएशन को हल्का से इंक्रीज करना है और वही को माइनस, लुमिनस को इंक्रीज, तो इससे हल्का से फेस में हल्का से रेड टोन आ जाएगा एंड आप लोगों को लिप का कलर हल्का से पिंक हो जाएगा। अब यहाँ से डन कर देना है फ्रेंड्स। अब इस पे आना है, तो इस पे आने वाले से क्या करना है, हल्का से टेक्सचर को इंक्रीज करना है, क्लियरिटी को भी, और देखिए फ्रेंड्स हल्का से फेस को और गोरा करना है तो इसको हल्का से माइनस में रखेंगे। अब यहाँ पे विग्नेट का हल्का सा और माइनस में रखेंगे गाइस। और आप लोग क्या करना है, नीचे आना है इस पे, हल्का से यहाँ पे सरप्राइज को इंक्रीज करना है और मेकिंग को भी, नोआइड डायरेक्शन को भी गाइस, और यहाँ पे कंटेस्ट को भी, कलर नोआइड डायरेक्शन को भी हल्का से इंक्रीज कर लेना है, लास्ट में डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को 100 रखना है गाइस। और यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हल्का से अपने लिप का कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल्स पे आना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप लोग को ब्रश पे चूज कर लेना है और अपने लिप पे से ड्रॉ करना है। और यहाँ पे आना है कलर पे और यहाँ पे हल्का से पिंक कर लेना है, इसका सैचुरेशन को हल्का से इंक्रीज कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो भी लिप का कलर है चेंज हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है और शेयर पे क्लिक करके अपनी फोटो को ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी फोटो को ओपन कर लिया हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लाने वास्ते ना गाइस, तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो टूल्स पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स इधर आना है आप लोग को, कर्व टूल्स पे जाना है गाइस, और यहाँ पे कलर आप लोग को चूज करना है। सबसे पहले रेड पे आना है, रेड का हल्का सा टोन आप लोग को अप करना है, और यहाँ पे ग्रीन पे आना है, ग्रीन का भी हल्का सा माइनस में रखना है गाइस, और ब्लू पे आना है, ब्लू का हल्का से यहाँ पे देखिए इसको भी माइनस में रखना है। और फ्रेंड्स इस पे आना है फर्स्ट वाले पे, इसका हल्का से माइनस में रखना है और बीच में हल्का से इसको ऑफ कर देना है। और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को डन कर देना है। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टोन चेंज हो चुका है हल्का से, तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है फिर से और टून इमेज पे जाना है और नीचे स्लाइड करना है, फोर्थ नंबर पे अम्बाइज का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पे शेडो का ऑप्शन मिलेगा, हल्का से इसको माइनस में रखना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है, नीचे आना है, पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है आप लोग को, और यहाँ पे इस क्लिक करने के बाद से नीचे स्लाइड करना है, आई क्लियरिटी को हल्का से इंक्रीज कर लेना है और फेस इसको पूरा फुल माइनस में रखना है, स्किन स्मूथनेस को हल्का से यहाँ पे इंक्रीज कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फोटो में कितना ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है। अब यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और हल्का से क्लियरिटी लाएंगे, तो यहाँ पे डिटेल्स पे जाएंगे और नीचे स्लाइड करेंगे, सरप्राइज का ऑप्शन मिलेगा, इसको हल्का से इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब आप लोग क्या करेंगे, अपनी फोटो को यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को ले चलेंगे ऑटोडेस्क एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लाने वास्ते गाइस, आप लोग क्या करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे
और देखिए फ्रेंड्स आर्टिस्ट पे आएंगे और यहाँ पे थर्ड वाले ब्रश को लेंगे और लेने के बाद से गाइस इस वाले ब्रश को और सेटिंग को देख लेंगे, साइज को अपने हिसाब से रखेंगे, फ्लो को यहाँ पे 3 रखेंगे, स्ट्रेंथ को यहाँ पे 13 रखेंगे और यहाँ पे साइज को और हल्का से बढ़ा लेंगे गाइस और अपनी फोटो को ऐसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद से गाइस आप लोग को ऐसे जिस भाग में स्मूथ करना है वैसे फोटो को अपने कर लेंगे और ऐसे स्मूथ कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फेस स्मूथ हो रहा है कि नहीं। तो और यहाँ पे क्या करेंगे हल्का से और फ्लो को हल्का से और इंक्रीज करना चाहते तो कर लेंगे और आप लोग को ऐसे बस ओनली ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ब्लैक नहीं होगा फ्रेंड्स अगर इस वाले ब्रश को यूज करेंगे तो, आप लोग अगर इस वाले ब्रश को यूज करके स्मूथ करेंगे तो आप लोग को जहाँ भी ब्लैक होता है वो ब्लैक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जल्दी से स्मूथ करके आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप लोग आराम से स्मूथ कर लीजिएगा फ्रेंड्स, स्मूथ में जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा से स्मूथ कर पाएंगे। तो हल्का से यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा फेस स्मूथ हो चुका है, आप लोग को यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहा हूँ और यहाँ पे पूरा फुल एच डी में यहाँ पे हुआ है देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग आराम से करेंगे इस ब्रश को यूज करेंगे तो और भी अच्छा से स्मूथ कर पाएंगे, हमसे भी अच्छा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को ओपन कर लिया हूँ टूलविज एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे लाने वाले गाइस क्या करेंगे, सबसे पहले इफेक्ट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स और सॉफ्ट पे क्लिक करेंगे और इधर आएंगे फ्रेंड्स 5 नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करके सारे को यहाँ पे क्लीन कर लेंगे और अपने फोटो को ऐसे जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद से आप लोग को अपने हेयर पे ऐसे ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ओनली हेयर पे करना है, आप लोग अपने फेस पे मत कीजिएगा। तो इतना करने के बाद से यहाँ से डन कर देंगे गाइस। अब क्या करेंगे फिर से सॉफ्ट पे क्लिक करेंगे, इस बार थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और मैक्स पे क्लिक करके सारे को क्लीन कर लेंगे और आप लोग अपने इस बार दाढ़ी पे ऐसे मतलब करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हेयर में भी ऑयल पेंट लग चुकी है। अब आप लोगों को बस ओनली अगर आँख में लेंस लगाना चाहते हैं तो उसको ले जाकर पिक्सार्ट में लगा लीजिएगा फ्रेंड्स और लगाने के बाद से आप लोग हाई क्वालिटी में कैसे सेव करते हैं आप लोगों को मैं बताया हूँ। जाकर अगर नहीं जानते हैं तो जाकर नीचे आप लोगों को वीडियो को लिंक में दे दूंगा, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे, ऊपर क्लिक करेंगे और अपनी फोटो को सेव टू डिवाइव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फोटो सेव हो चुकी है गैलरी में। तो आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।